हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। और ये साधना का दूसरा दिन है हॉस्पिटल में, और अभी सुबह के 6:18 हुए हैं और मैं भी उठ गया हूँ, मम्मी भी उठ गई हैं। तो हालत में पहले से काफ़ी सुधार है। बोतल भी जितनी चढ़नी थी सब चढ़ चुकी हैं। अभी सिर्फ यहाँ पे मुझे लगता है सिर्फ बेड रेस्ट ही मिल रहा है। एक रात को एक इंजेक्शन लगाया था दर्द का, और बस। और उसके बाद कोई भी दवाई ववाई वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अभी बिस्किट खिलाए थे रात को, और पानी पिलाया था, जूस थोड़ा सा। तो अभी डॉक्टर ने यही सब बोला है। बाकी तो ठीक है, सब बढ़िया है, और जो भी होता है आगे फिर बताते हैं आपको। हाय कर दो, गुड मॉर्निंग बोल दो। हाँ तो गाइस देखिए, भगवान के गाने सुने जा रहे हैं। हाँ जी गाइस, तो अब इनको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लग रहा है अभी। बाकी बोतल बोतल वगैरह तो अब नहीं चढ़ रही है, कल रात से ही हट गई थी। पेन हो रहा क्या? क्यों पेन हो रहा क्या? तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। लो तुम अपने गाने सुनो। लो 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 तो ये देखिए गाइस, ये वीडियो कॉल पे बात कर रही हैं अपनी मम्मी से घर पर। कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, अब अच्छे से बात कर रही हैं। और जिस अस्पताल में हम हैं, इस अस्पताल में कोविड की कोई भी मरीज भर्ती नहीं है, क्योंकि ये अस्पताल डिलीवरी वगैरह और ऑपरेशन वगैरह तो उसी से ही रिलेटेड है। तो इसमें कोविड का कोई भी मरीज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। और वैसे भी इसकी साधना की पहले कोरोना की जांच हो चुकी है, तो उसमें इसका नेगेटिव ही आया है। मेरी भी हो चुकी है, और मम्मी पापा मतलब हम लोग जो भी एंटर हुआ है इस हॉस्पिटल में, तो पहले जांच हमें करवानी पड़ी है।
तो हम लोग का सबका सब नेगेटिव है, और इस हॉस्पिटल में जितने भी सब लोग हैं काम करने वाले और जितने भी मरीज आ रहे हैं सब, तो सब का पहले कोरोना की जांच हो रही है और उसके बाद ही उन्हें एडमिट किया जा रहा है। तो कोरोना से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये देखिए वीडियो कॉल पर बात कर रही है, ये भी ठीक है। और देखो आज शाम तक अगर छुट्टी होती है तो घर पे भी पहुंच जाएंगे। हाँ जी गाइस, तो डॉक्टर ने इनको करवट लेने के लिए बोला है, तो इनको थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, बट उनने इसलिए बोला है कि जल्दी से जल्दी रिकवर होगा शरीर, थोड़ा करवट लेंगे तो जो पेट में गंदगी वगैरह जो है वो निकलेगी इसमें। हाँ जी गाइस, तो अभी इसकी मतलब ड्रेसिंग वगैरह हो गई है, साफ़ सफाई हो गई है, और उसके बाद इनके पेट में थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, तो उसके पेट में ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उसके लिए पेन किलर भी अभी एक इंजेक्शन लगा दिया पेन किलर का। और खाने पीने के लिए इनको बोला है दलिया, बोला है हल्का दलिया, मतलब कि ज़्यादा गाढ़ा ना हो। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, तो अभी इनको पेन किलर लगा दिया है, अभी डॉक्टर ने पेन किलर का इंजेक्शन लगा दिया है, और इनकी ड्रेसिंग वगैरह भी हो गई, साफ़ सफाई वगैरह हो गई, कपड़े चेंज हो गए, और इनका मतलब कि जो डिस्चार्ज वाली फाइल होती है वो भी बन चुकी है। ये है मतलब यहाँ से इनकी अब छुट्टी हो जाएगी, तो आज तो नहीं हो रही है लेकिन कल छुट्टी हो जाएगी, बाकी कल तक और रहना है यहाँ पर, फिर कल घर चले जाएंगे। हाँ तो मैं बोल रही है थोड़ी थोड़ी सूजन है, तो वो आ जाती है सूजन जब बोतलें वगैरह चढ़ती हैं ग्लूकोज की, तो सूजन आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। और बाकी ठीक है, हाथ में थोड़ा थोड़ा दर्द है, डॉक्टर बोल रही हैं कोई नहीं सब बढ़िया है, कल छुट्टी हो जाएगी, वैसे तो आज ही हो जाती लेकिन उन्होंने कल के लिए भी बोला है आज, और रुक जाओ कल चले जाना। हाँ जी गाइस, तो जैसे कि डॉक्टर ने बोला था कि इन्हें पतला दलिया और दाल का पानी, मूंग की दाल का पानी, तो वही इनको खिला रहे हैं। देखो गाढ़ा खा रही हो तुम बहुत, इसको ऐसे मिलाओ, ठीक है, इसमें पानी भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसे इतना पतला पतला खाओ, ऐसे मत खाओ कि बहुत गाढ़ा गाढ़ा खा रहे, ऐसे ऐसे नहीं खाना है, ठीक है, इसको ऐसे मिलाओ, पकड़ो को ऐसे खाओ, ठीक है, पकड़ो। तो ये मेरा भाई आया है और पापा भी आए हैं, तो वो घर से ही बना के ये सब मम्मी ने भेजा है, और मेरे लिए भी रोटी भेजी है, ये रखी है दाल और रोटी। हाँ जी गाइस, तो देखिए वाइफ सो रही है, आराम कर रही है, तो अभी घर से परिवार से एक दो जन मिलने आए थे, तो मैंने सैनिटाइज कर दिया था पहले भी, और अभी एक बार और भी सैनिटाइज कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो बार्ड जो नर्स वर्स वगैरह हैं काफ़ी लोग हैं तो यहाँ आ रहे हैं। वैसे तो कोविड का कोई भी मरीज नहीं है अस्पताल में, सबका सबकी जांच भी हो चुकी है, तो फिर भी हमें सैनिटाइज करना बनता है, तो सैनिटाइज कर दे रहे हैं, देखिए ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा। तो गाइस हमने सैनिटाइज कर दिया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। देखिए जाग गई है, और ये इसका है खाना जो इसको मिलेगा, डॉक्टर ने जो बोला है
ये है इसमें दलिया है और दाल का पानी है जो डॉक्टर ने बोला है। नहीं गिरेगा, मैं हूँ ना, टेंशन क्यों ले रही है। तो गाइज यही बोला है डॉक्टर ने इनके खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समय के लिए अगर ठीक होना है तो ये भी खा लेना बनता है। दाल और दलिया, दाल और दलिया बता दाल दिया, का पानी। दाल का पानी और दलिया, सारे कपड़े गंदे करोगे, अभी मुझे ढकना पड़ता हूँ। चलो तो ठीक है गाइज, मैं यहाँ एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए गिर जा रहा है, कोई नहीं। तो यही दिखाना था मुझे कि इसको डॉक्टर ने खाने के लिए बोला है ये सब, ये इसमें दलिया है और दाल का पानी है। तो मिलते हैं अभी, अब थोड़ी देर में।